हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नर यौगिकोद्भिद की डेवलपमेंट की कुछ प्रोसेस बताई थी, जिसमें मैंने शुरुआत में पुंकेसर की संरचना, उसके बाद बीजाणुधानी की संरचना और विकास के बारे में बताया था, जिसमें आपको भित्तियों के बारे में, पराकोष की भित्तियों के बारे में बताया गया था, जिसमें मैंने बोला था कि पराकोष की जो पहले जो डेवलपमेंट होता है, पराकोष का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है, उसमें बोला गया था कि जो पराकोष होता है वो एक भित्ति द्वारा घिरी होती है, जिसे हम बोलते हैं बाकच, और उसके अंदर समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। उन्हीं समरूपी कोशिकाओं के समूह होने से कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्पस कोशिका बोलते हैं। और कर्पस कोशिका बड़ी होकर कौन से डिवीजन करती है, परिणत विभाजन करती है। बाहर की तरफ क्या बनाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की तरफ क्या बनाती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं की अंतरस्थी से मध्य करते हैं और टैपिटम लेयर में डिवाइड हो जाती है, स्तर में डिवाइड हो जाती है। मैंने यहाँ बाहर बचा नहीं लिखा है, पराकोष की जो भित्ति होती है उसके सबसे बाहर की स्तर क्या होती है, बाहर त्वचा होती है। लेकिन ध्यान रहे, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है उससे बाहर त्वचा नहीं होती, वो बहुत पहले बन चुकी होती है। और अंदर की तरफ जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो संसूत्री विभाजन या बिना संसूत्री विभाजन की लग बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतस्थिस्य के बारे में बात कर चुके हैं, मध्य प्रक्रिया भी बता चुके हैं, इसका फंक्शन वगैरह। हम आज टैपिटम के बारे में बात करेंगे, ठीक, टैपिटम के बारे में बात करेंगे। तो टैपिटम क्या होती है, पराकोष की सबसे आंतरिक और विशिष्ट क्या होती है, स्तर होती है। पराकोष की सबसे आंतरिक और विशिष्ट जो है स्तर होती है, और ये मेनली जो है आवृतबीजी पादप में दो प्रकार की होती है। जो टैपिटम होती है, जो टैपिटम स्तर होती है, दो प्रकार की हो सकती है। एक बोलते हैं अमीबी और दूसरे बोलते हैं स्रावी। एक को क्या बोलते हैं, अमीबी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, स्रावी बोलते हैं। तो जो अमीबी होती है वो आदि आवृतबीजी पादप में पाया जाता है, बहुत जो पुराने पादप थे जिसमें एलिज्मा और टाइफा एग्जाम्पल के तौर पर, एलिज्मा और टाइफा में ये जो है अमीबी टाइफा क्या पाया जाता है, टैपिटम पाया जाता है। ये जल्दी नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, जल्दी नष्ट हो जाती है, और बीजाणुओं को चारों तरफ से घेर के और उन्हें पोषण प्रदान करती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है अमीबी, यानी अमीबा की तरह मूवमेंट, लोकोमोशन करती है, एक स्थान से ऊपर के दूसरे स्थान तक जाती है, और जो लघु बीजाणु होते हैं उनको घेर के क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसे हम क्या बोलेंगे, अमीबी टाइप का टैपिटम बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, एलिज्मा और टाइफा है। दूसरा टाइप क्या है, स्रावी। क्या है, स्रावी है, जो आवृतबीजी पादप, जो एडवांस टाइप के आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये जल्दी नष्ट नहीं होती, ये जल्दी नष्ट नहीं होती है। जो इसकी कोशिका द्रव्य होती है उसमें गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस काय बोलते हैं। और जो प्रोयूबिस काय होती है उसमें स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन की वजह से चेंज हो जाती है, इसमें यूबिस काय में चेंज हो जाती है। जो यूबिस काय होती है आगे चल के जो पराकण होती है उसकी बात छोड़, यानी भित्ति जो होती है उसके निर्माण में सहायता प्रदान करती है। यूबिस काय पराकण के बात छोड़ के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। ये दो टाइप जो है टैपिटम पाई जाती है आवृतबीजी पादप में, ऑन द बेसिस, यानी फंक्शन के बेसिस पे, कार्य के बेसिस पे, ठीक। टैपिटम की कार्य की बात करें, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। स्पोरोपोलिन या के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, स्पोरोपोलिन या यूबिसकाय के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। पराग किट या पोलन किट बोलते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जो है कीट परागित जो पुष्प होते हैं, जो उनके पराग कण होते हैं, उनके चारों तरफ में तैली आवरण पाए जाते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, पराग किट बोलते हैं। तो पराग किट के निर्माण में सहायता कौन करता है, टैपिटम ही करती है। कैलेज एंजाइम का भी निर्माण, आपके कैलेज एंजाइम के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में बात करें, ओके। ये जो है टैपिटम और टैपिटम के फंक्शन होंगे। ध्यान रहे, टैपिटम जो होता है सबसे भीतरी स्तर है, और शुरुआत के केस में टैपिटम क्या होता है, द्विगुणित ही होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये बहुगुणित हो जाती है। कुछ ऐसा डिवीजन होता है, एंडोमाइटोसिस होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम होता है केंद्र के अंदर, वो तो डिवाइड होती है, उसकी संख्या तो बढ़ती है लेकिन केंद्र डिवाइड नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि केंद्र डिवाइड हो रहा है लेकिन उसमें कोशिका द्रव्य या कोशिका पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए कैसे हो जाती है, बहुकेंद्रीय और बहुगुणित हो जाती है। तो इस टाइप के जो है टैपिटम स्तर पाई जाती है, और ये इसका फंक्शन है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये वाली तो हमने इतने जो थे जो
जैसे प्राथमिक वृद्धि कोशिका, उसका हमने कार्य जो है आपको बता दिया है। अंदर की ओर जो प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका है उसी के बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप, अंदर की जो प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका होती है इसमें संसूत्री विभाजन होता है या बिना संसूत्री विभाजन के ही ये लव बीजाणु मात्र कोशिका में क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है। लव बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसका नाम लव बीजाणु मात्र कोशिका इसलिए क्योंकि आगे चलते लव बीजाणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है लव बीजाणु मात्र कोशिका। माइक्रोस्कोप मदर सेल बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाएगी, लग बीजाणु बनाती है। इसी को हम बोलते हैं बीजाणु लग बीजाणु जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लग बीजाणु जन्म। हम आगे लग बीजाणु जन्म की बात करते हैं।